अस्सलाम वालेकुम। आज आपको जो बताना है वो ड्रिप इरिगेशन का बताना है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि दो सिस्टम होते हैं, एक होता है रिटर्न का होता है और एक ड्रेन टू वेस्ट सिस्टम होता है। तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो रिटर्न सिस्टम बताऊंगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। ये जो हैं हमें इस तरह के दो बकेट्स चाहिए होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ये बकेट चाहिए, ठीक है। और बकेट में लिड होना ज़रूरी है। लिड के साथ हमने इसको वही 3 इंच का हमने होल किया और हमने इसमें ये कप लगा दिया, नेट कप, ठीक है। नेट कप के साथ मैंने होल्ड करने के लिए सिर्फ ये हार्ड स्पंज, जिसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं यूज़ करता हूँ प्लांट्स के लिए, वो हमें चाहिए। इस तरह की अभी मैं आपको सिर्फ दो बाल्टियों का, दो बकेट्स का मैं सिस्टम बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी नॉलेज के लिए। अच्छा, एक पंप चाहिए। अच्छा, पंप में लोग अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई पंप हम कितने पावर करें। भाई पंप आपको आपके हिसाब से लेना होगा, ठीक है। और ये जो पंप है ये सबसे नॉर्मल पंप होता है, बहुत हल्का पंप होता है छोटे सिस्टम्स के लिए। तो अभी हम दो बकेट्स लगा रहे हैं तो ये उसके लिए क्वाइट गुड इनफ, काफ़ी है ये, ठीक है ना। तो इसका हेड मैक्स जो होता है, मतलब मैक्सिमम थ्रो जो होती है 3 मीटर होती है, लेकिन वो इतनी खैर होती नहीं है, लिखा होता है। एनीवेज, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा जब भी यूज़ करें तो आप अपने सिस्टम के हवाले से उस मोटर को देखा जाता है कि हमारा कितना लंबा है, कितना दूर तक है, तो उसके हिसाब से हमें पूरी पावरफुल हमें थोड़ी सी फिर मोटर लेनी पड़ती है, समरसेबल पंप, ठीक है। अच्छा, एक हमने ले लिया है, या अभी मैं ये देखें ना, ये एक बेंच है, उस बेंच को हम यूटिलाइज़ करेंगे। ऑल दो थोड़ी बड़ी है, हालांकि दो बकेट्स के लिए, लेकिन मैं ये जो है बेंच इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इस बेंच में हम रखें और फिर आपको ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम बताएंगे। हमें वही माइक्रो ट्यूबिंग चाहिए, और मैंने आपको पहले भी बताया था ये 16 mm का LDPE पाइप कहलाता है, जो कि हर जगह आपको एग्रीकल्चर शॉप से, किसी अच्छी एग्रीकल्चर शॉप से मिल सकता है। ये 4 mm का जो है माइक्रो ट्यूबिंग कहलाती है। अगर आप सर्च करें, जो मैं आपको बता रहा हूँ माइक्रो ट्यूब के नाम से अगर आप सर्च करेंगे, और LDPE पाइप के नाम से अगर आप सर्च करेंगे, तो आपको ईजीली मिल जाएगा। और दूसरी सबसे आसान बात यह है कि ये जो कनेक्टर्स हैं, जो कि हमने माइक्रो ट्यूबिंग के कनेक्टर्स हमने यूज़ करने, बेसिकली बार्ब्ड कनेक्टर्स कहलाते हैं। तो BARBED बार्ब्ड कनेक्टर हमें दो बकेट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम के लिए। और ये रीसर्कुलेशन सिस्टम हम बना रहे हैं, दो सिस्टम मैंने आपको बताया था ड्रिप इरिगेशन के, एक रीसर्कुलेटिंग होता है और एक वेस्ट सिस्टम होता है जो कि सिंपल है, वो आपको मैं दूसरा भी बात में बताता हूँ। पहले हम रीसर्कुलेशन सिस्टम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने एक टी हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, दो नॉर्मल एल्बो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, छोटे से पाइप के पीस चाहिए तकरीबन 5 इंच के, ताकि हम कनेक्टिंग कर सकें, अपने बकेट से कनेक्ट कर सकें, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये मेल थ्रेड कहलाते हैं। अगर आप मेल थ्रेड लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा इजीली, AliExpress.com, पाकिस्तान में तो खैर हर जगह आपको मिल जाएंगे, ठीक है, PVC के मेल थ्रेड, ठीक है। इसको बेयरिंग निप्पल उर्दू में आसान जबान में कहते हैं, वैसे तो इसका नाम मेल थ्रेड है, ठीक है, वे देखें ना ये बने हुए, खैर एनीवेज। इसी तरह फिर हमें ये थ्रेड एल्बो चाहिए, जो कि देख रहे हैं हम इस पर चूड़ी लगी हुई है, तो आप इसको चूड़ी वाला एल्बो आसान अल्फाज में कहते हैं। दो चूड़ी वाले एल्बो, दो सादे एल्बो, दो आपको बार्ब कनेक्टर्स, और दो पीस छोटे से PVC के। और ये पाइप उतना बड़ा जितनी मेरी बेंच थी, उतना बड़ा मैंने ये पाइप लिया, ताकि मेरा रिटर्न जो है वो यहाँ है, रिटर्न का रिजर्वायर, तो वो इधर पानी जाएगा और इधर से निकलेगा, तो इसके हिसाब से मैंने ये PVC पाइप अपना लिया है। आपका उतना यूटिलाइज होगा जितना आपने उसका डिस्टेंस हो आपके रिजर्वायर से लेके और आपके आखिरी बकेट तक, ठीक है। तो बकेट में आपको मैं बता दूं, सिंपल बकेट में वही 1/2 इंच का हमने ड्रिल मशीन से 1/2 इंच का हमने होल किया है, ठीक है, 1/2 इंच का हमने ड्रिप से होल किया है। और इसमें यहाँ पे हमने वही जो मैंने आपको बताई थी रबर, वो आपने सील लगानी है। तो ये सील मैंने पिछली मेरी वीडियोस में भी आप देखिएगा, आपको शायद नज़र आ जाएंगी आराम से, इजीली मिल जाती है 25-35 रुपीज़ की। असल में ये मेरी मैंने बकेट में दो तरफ सुराख थे, क्योंकि मैंने किसी और सिस्टम में पहले यूटिलाइज़ किया था, तो इसको आप इग्नोर करें, दूसरा सुराख आपने नहीं करना है। ये मैंने बंद कर दिया क्योंकि मैंने किसी और सिस्टम के लिए यूज़ किया था, ठीक है। तो आपने एक सिर्फ होल करना है, और इतना होल करना है कि नीचे से बकेट के थोड़ा सा 2 इंच छोड़ के, 3 इंच छोड़ के आपने यहाँ पे होल करना है, ठीक है, ऊपर एक होल करना है,
और अब हम जो है इसकी फिटिंग करते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। अब जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम ये थ्रेड, मेल थ्रेड लगाएंगे, जिसको हम बियरिंग निपल भी कहते हैं उर्दू ज़बान में ये, ठीक है। और ये लगा के फिर हम इसके साथ एल्बो लगाएंगे, जो कि थ्रेड एल्बो या चूड़ी वाली एल्बो कहलाती है, ठीक है। ये अंदर से इसको पकड़ें, ये अंदर से हम यहाँ फिट करेंगे इसी हाफ इंच में। इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये बंद किया हुआ मैंने, क्योंकि मेरे पास बकेट जो थी दो सुराख वाली थी, इसलिए मैंने इसको यूटिलाइज़ किया है। तो आप इस सुराख को भूल जाएं, वहाँ नहीं सुराख करना है ना कुछ करना है, यहाँ से एक सुराख है, बस समझ लें आप, ठीक है। क्योंकि ये मैंने बंद किया हुआ है, ये किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया था। ये लगाएं आप, ये अब हम जो है अंदर से लगाएंगे, ठीक है ना, इसको दबा दबा के, क्योंकि ये थोड़ा सा जो सील लगाते हैं, जो रबड़ की हम लोग सील यूज़ करते हैं, वो बेसिकली इसीलिए यूज़ करते हैं कि पानी जो है वो निकले ना, और इसको थोड़ा सा घुमा घुमा के जो है ना, घुमा घुमा के, इस तरह घुमा घुमा के फिर अंदर से हम डालते हैं। और फिर इसके बाद ये एल्बो की जो है चूड़ी वाली, मतलब चूड़ी वाली जो एल्बो है, जिसको थ्रेड एल्बो भी कहते हैं, वो यहाँ पे फिर ये घूम के आराम से फिक्स इजीली हो जाती है, ठीक है। पहली हम बकेट हम तैयार कर रहे हैं, इसी तरह सेम सेकेंड बकेट भी हम तैयार करेंगे। ये हमारी एक बकेट तैयार हो गई, ठीक है ना। अब हमने सेकंड बकेट भी तैयार कर लेनी है, फिर आप कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब ये दोनों बकेट तैयार हो गई, इसमें दोनों हमारे रिंग एल्बो, जिसको हम थ्रेड एल्बो भी कहते हैं या चूड़ी वाले एल्बो कहते हैं, ये भी लगा दी हमने, ये भी लगा दी, हमारी दोनों बकेट्स तैयार हो गई। ये आप पे होता है कि आप कितने डिस्टेंस से रखना चाह रहे हैं। जो बुशी प्लांट है तो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लें, अगर छोटा प्लांट है, ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, ज़्यादा फैल नहीं सकता है, तो फिर आप उसको करीब भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा आपको, मेरे पास असल में जगह बहुत थी, क्योंकि बेंच मेरी बहुत बड़ी है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप ब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं रखने के लिए, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाने के लिए बेंच यूज़ की है। एनीवे, कंटिन्यू करते हैं आगे। और अब हम जो है इस पे बार्ब्ड कनेक्टर्स को हम लगाएंगे। पहले इसको बार्ब्ड कनेक्टर्स को लगा के दिखाएं, ये बार्ब्ड कनेक्टर्स है ना, ये बार्ब्ड कनेक्टर्स हैं, देख रहे हैं। इस पे हमने सुराख कर लिए इस सुए से, ठीक है, वरना आपको माइक्रो ट्यूबिंग के लिए जो है वो सुराख करने के लिए वो मिलता है, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली मैं नीचे से ला नहीं सका, वरना मैं आपको दिखाता। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से लगाना है, दिखाएं आप ज़रा, हाथ हटा के ये पुश करके थोड़ा सा देखें, ये चीज़ जो है, दिखाएं एक मिनट, ये चीज़ जो है ना थोड़ी तकलीफ़ से जाएगी, थोड़ा देख रहे हैं आप, थोड़ा प्रेशर से जाता है, क्योंकि ये देख रहे हैं ना, ये चीज़ जो है ऑब्वियसली जब ये जाएगी तो ये फिर ये अटक जाएगी, ठीक। तो इसीलिए इतने से होल में जो है इसको घुसाना है, और इसीलिए ये जाके जब ये प्रेशर से जब लगती है तो फिर जाके पानी लीक नहीं होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ताकत आपको लगानी पड़ेगी, हो सके तो प्लास यूज़ कर लें या किस तरीके से। तो ये दोनों पे ये लगाने हैं माइक्रो ट्यूबिंग, उसके बाद हमने, मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, ये माइक्रो ट्यूबिंग और ये LDPE हमने लगा ली, ठीक है। LDPE पाइप जो हमने लगाया था इसमें हमने फिट कर दिया, और उसके ऊपर ये जो छोटी माइक्रो ट्यूब्स थी वो हमने इस तरह उसके दूसरे हिस्से से इसको ज्वाइंट कर ली, जो कि हमारा दूसरा पार्ट था, देख रहे हैं आप, ये इस तरह से ज्वाइंट कर दी। एक जो पार्ट था वो अंदर चला गया बार्ब कनेक्टर का, और एक ऊपर था, तो उसके थ्रू हमने फिर ये कनेक्टर माइक्रो ट्यूब हमने अटैच कर लिया। अब हम लगाते हैं एल्बो को पाइप्स लगाते हैं वापसी का, ड्रेन का पाइप, ठीक है। ये अभी हमारा फीड पाइप हो गया है, ये देख रहे हैं आप, फीड पाइप हमने लिया और आगे से ये जो है हमने इसको क्लोज कर दिया, देख रहे हैं आप, ये हमने ये लगा के रिंग को हमने बंद कर दिया घुमा के। इसका एक कनेक्टर मिलता है, अगर वो चाहें आप ले लें, कि मैंने कहा खर्चा करने की फजूल है, हमारे पास ये पड़ा होता क्लिप, तो क्लिप से हमने इसको टाइट कर दिया। मैं ये क्लिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस क्लिप की बात कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं, इसको घुमा के हमने, ताकि पानी लीक ना हो, ठीक है ना। और यहाँ से हमने जो है ये सीधा, ये वही मोटर का जो लगता है, इस मोटर के अंदर ये सेटअप, ये ऐसे जाके मोटर पानी में चली जाएगी, और ये फिर ये हमारा फीड पाइप हो जाएगा बेसिकली, यहाँ से फीड जाएगी, और ये किस कनेक्टर से, इस माइक्रो ट्यूब से ये जाएगा सीधा इसमें, और फिर दूसरा वाला माइक्रो ट्यूब जाएगा इसमें, ठीक है। तो आगे अब ये इसको कनेक्ट करना है रिटर्न का, क्योंकि जारी बात है जब ये पानी रिटर्न आएगा तो हमने रिटर्न भी तो करना है, क्योंकि ये रीसर्कुलेशन सिस्टम है, ये दोबारा सर्कुलेट होता रहेगा और चलता रहेगा। तो ये लगाते हैं, फिर कंटिन्यू करें, लगाएं आप। कोने वाले को हम बंद करेंगे पहले, ठीक है।
एल्बो लगा के छोटा सा पीस हमने जो रखे थे ना दो, एक वो हमने रखा था कोने के लिए, लगा दें इसको, और एक हमने रखा था इधर के लिए, देख रहे हैं, इसको भी पैक करें, इसको ऊपर से लगाएं। सोल्यूशन आपने ज़रूर लगाना है पीवीसी का, हम आपकी डेमोस्ट्रेशन के लिए सिर्फ ये जो है इसलिए सोल्यूशन ही लगा रहे हैं क्योंकि सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के लिए। ये आपने बंद कर दिया, वहाँ हमने टी क्यों लगाया, क्योंकि हमने आगे कनेक्शन नहीं लेने, और हमारे सिर्फ दो बकेट्स हैं, अगर आपने और कनेक्शन लेने आप टी लगाते जाएं उसको एक्सटेंड करते जाएं, ठीक है। तो ये हमारा दो था तो हमने इसलिए करा, आप इसको बंद करें। ये थोड़ा सा जो है टाइट करके फिट करें, हाँ इसको अंदर से टाइट करें ये चीज़। अब ये जो है थोड़ा सा हमें करीब करना होगा क्योंकि वो थोड़ी सी दूर है बकेट, आपको जितनी दूर रखनी होगी उसके हिसाब से आपने टी लगाना होगा, ठीक है ना। तो हमारे लिए तो बस सिर्फ ये डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए था तो इसलिए, और अगर आपने मज़ीद करना है तो आपने सिर्फ टी लगाते रहें, करेक्ट करते रहें, लेकिन हमने मज़ीद नहीं करना, तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वो पाइप लगाएंगे ये वाला, और पाइप लगा के आगे एल्बो लगा के सीधा पानी वापस रिजर्वायर में, तो लगाएं इसको आप पाइप को। ये सब चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं, जो पाइप और कनेक्टिविटी है ना, ये नंबर ऑफ प्लांट्स आपने जितने यूज़ करने हैं उसके हिसाब से ही लगेगा, ठीक है। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले ये ज़रा कनेक्ट कर लें, ये देख रहे हैं आगे एल्बो हमने लगा दिया कोने पे ताकि पानी गिरे, सी ताकि प्रेशर से पानी गिरेगा तो फिर बबल्स बनेंगे, बबल्स बनेंगे तो ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा तो आपका रिजर्वायर हेल्दी रहेगा और अंदर जो है कोई भी पैथोजेंस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह नहीं पैदा होंगे, ठीक है। तो ये आप इसको कनेक्ट करें तार में, जब तक मैं इनको समझाता हूँ कि मैं क्या इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा था। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये देख रहे हैं सारे आप, ये वाइट पीवीसी पाइप है, ये वाइट पूरी है, सी थ्रू है एक तरह से, अगर आप देखें तो ये जो बकेट्स हैं ये नज़र आ सकती हैं, धूप के अंदर अगर मैं हाथ रखूँगा ना तो मेरा हाथ नज़र आ सकता है। तो माइंड इट, इसको कभी भी जब भी कोई पानी का सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, अपने सिस्टम को हमेशा फॉइल जो होता है एल्युमिनियम फॉइल या सिल्वर फॉइल या कोई ऐसा कलर आप यूज़ करें या कोई कपड़ा यूज़ कर लें या कोई भी चीज़ मटेरियल आप उसको रैप कर रहे हैं ताकि सनलाइट जो है पेनिट्रेट ना करे, अंदर ना जाए, धूप अंदर ना जाए, ठीक है ना। और इसी तरह पाइपों में भी आपने ये सब लपेट के आपने एल्युमिनियम फॉइल से, एल्युमिनियम टेप से, कोई भी हो एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ हो, आप उससे आपने जो है ना इसको लपेट के और पूरा पैक करना है ताकि इसमें जो है एल्गी ना लगे, अगर ये ओपन होगा तो ये एल्गी लगेगी, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ये इधर स्टार्ट कर लें कनेक्ट करें, मैं ये कनेक्ट करवा के फिर मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, शो करता हूँ। अच्छा अब जो है हम पौधा प्लांट लगा रहे हैं अपना, ये सॉइल से निकाला हुआ है, ये बेजल का है बड़ा प्लांट और हम ये लगा रहे हैं, इसको आप लगाएं क्यूब उसके अंदर स्पंज के अंदर, ठीक है ना, इसी तरह फंसा के इसको अंदर लगा दें और साथ में फिर आपने माइक्रो ट्यूब भी फंसानी है, इसको अंदर ही कर दें पूरा पूरा अंदर कर दें, हाँ माइक्रो ट्यूब फंसाएं इसके अंदर साथ, हाँ माइक्रो ट्यूब फंसाएं साथ में, ये माइक्रो ट्यूब हमने इस तरह फंसानी है कि ये जड़ों को पानी दे ना बीच में से, हमने स्पेस थोड़ी रखी थी, सुराख का बड़ा है थोड़ा आपको देखा होगा, तो ये अब ये जो है हाँ बस ऐसे रख दें और इसमें पीछे, हाँ बस गुड ग्रेट दैट्स इट, बिल्कुल दबा दें, ठीक है ना, ये लग गया। दूसरा पौधा भी लगाएं आप, ये असल में मेरे पास एक पौधा पुराना पड़ा हुआ था तो मैंने कहा इसी को यूटिलाइज़ कर लें, तो इसीलिए ये आपके पास हो तो आप जितने भी, आप में तीसरा भी लगा सकता था, मैं वहाँ चौथा भी लगा सकता था लेकिन मैंने इसको नहीं लगाया और मैंने कहा डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए सिर्फ दो ही आपके लिए। ये दूसरा पौधा लगा रहे हैं, तो अब इसको भी इसी तरह बंद करेंगे, निकालेंगे नीचे से, रीसर्कुलेशन सिस्टम है और ये जो निकालें कॉइल, हाँ काफ़ी देर से बेचारे ये पड़े हुए, उनको पानी अब ज़रूरत है। इसी तरह ड्रिप बीच में से लगा ली हमने, वो दूसरी वाली भी लगा लें, दूसरी वाली भी निकाल के इसी में लगा दें, हमने लगानी तो एक ही है लेकिन ये क्योंकि ये पानी डबक रहा है इसमें से, मैंने कहा इसी को यूटिलाइज़ कर लें, इधर ही डाल दो, इसी में डाल दो, आपने तो दो ही लगाने ना, अगर हम दो लगा रहे होते तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आती जो अभी आ रही है क्योंकि वो है। एनीवेज तो ये लगाएं आप और इसको स्टार्ट करें,
अब ये देख रहे हैं आप, अब ये जो है सीधा रखे ना, तो ये अब ये पौधे को हल्की हल्की ये ड्रिप से पानी मिलता रह रहा है रूट्स को, और ये इसी तरह से चलता हुआ ये वापस पानी, जब ये एक हद से ऊपर आ जाएगा ये वापस रिटर्न में जाएगा और सीधा रिटर्न जाके ये हमारा वापस रिजर्वायर में। अभी ये आना शुरू होगा क्योंकि भरा नहीं है, जब ये भर जाएगा पूरा ड्रिप पे पानी, उसके बाद ये पूरा वापस आना शुरू होगा। तो अब ये देखिए पानी आना शुरू हो गया, रिटर्न आना शुरू हो गया, इसको हम थोड़ा सा आगे कर लें, ठीक है। अभी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी भरा नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुआ है, तो ये गिरता रहेगा पानी और इसी तरह से रिसर्कुलेट होता रहेगा। तो ये होता है ड्रिप एरीगेशन रिसर्कुलेशन सिस्टम, और एक दूसरा होता है ड्रिप एरीगेशन जो कि रिसर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता, नॉन रिसर्कुलेशन सिस्टम होता है। तो नॉन रिसर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो कोई क्यूरी हो पूछिएगा, और अपने प्लांट्स का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।